एनएस हो गया, आरएस हो गया, ये AS200 है, इनके जो टाइम है वो कैसे सेट करते हैं? स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इग्निशन ऑन करना है, की ऑन करनी है, टाइम शो कर गया, देखिए स्टैंड का भी आ रहा है। आपका जो मेन पर्पस है ये जो देखिए ODO लिखा है, ये दो बटन है M और S, M वाले को प्रेस करेंगे तो इसमें चेंज होता है, ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 ODS। जब भी आपको टाइम सेट करना है सो आपका जो ट्रिप 1 पे सेलेक्ट होना चाहिए, तभी इन दोनों बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए टाइम ब्लिंक होने शुरू कर गया, ये जो है वो हमारा हॉर्स का है और ये मिनट का है, इससे हमें हॉर्स सेलेक्ट होते हैं और इससे मिनट, जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाए इन दोनों को दोबारा से प्रेस करके छोड़ दें, उसके बाद चेक कर लें ये ट्रिप 2 वगैरह हो रहा है कि नहीं, जैसे अगर हो गया तो आपका जो टाइम है वो सेट हो जाएगा। मेन बात का ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिप 1 पे होना चाहिए और इग्निशन ऑन चाहिए। स्टैंड लगा हुआ है आपके सामने, स्टैंड का आइकन भी शो कर रहा है, स्टैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत तो जानो लिखा होगा कि आपको स्टैंड अप करके रखना है, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रिप 1 पे होगा तभी ये होगा। लेकिन मैं ट्रिप 2 पे क्लिक करके प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये होगा ही नहीं, देखिए ब्लिंक ही नहीं होगा। अब हम तीसरे वाले पे कर लेते हैं ODA पे, ये देखिए इस पे भी ब्लिंक क्लिक करके रखा हूँ, नहीं होगा। जैसे ही आप ट्रिप 1 पे करेंगे और इसको प्रेस करेंगे 5 to 10 सेकेंड ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा से इनको प्रेस करके रखें, सॉरी गाइस ये मेरा टाइम जो मुझे हो गया है इसको मैंने सेट कर लूं 32। दोनों को जैसे ये स्टेबल हो जाए दोनों बटनों को प्रेस करके रखें एक साथ सेट, ट्रिप 2 चेंज हो रहा है तो आपका मतलब टाइम सेट हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखें ये ट्रिप 1 पर ही होगा, ट्रिप 2 पे ये स्टार्ट नहीं होता है। थैंक यू, बस इतना ही था, ध्यान रखें और अपने टाइम सेट कर सकते हैं। इग्निशन ऑफ, की ऑफ एंड साइनिंग ऑफ।